गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च और कहा आपकी सतर्कता से न सिर्फ अपराध रुकेगा बल्कि क्षेत्र में शांति भी रहेगी। खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर एसपी ओमवीर सिंह ने सोमवार की शाम कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। पैदल गश्त करते हुए एसपी ने आम जनमानस में सुरक्षा भावना का संचार किया। इस दौरान जगह जगह खड़े संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहनों की तलाशी भी की गई। एसपी ने सभी को चेताया कि आप कोई भी उपद्रव न करें, अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपका सहयोग करेगी। आपकी सतर्कता से न सिर्फ अपराध रुकेगा बल्कि क्षेत्र में शांति भी रहेगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र, सदर क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार और कोतवाली प्रभारी दीनदयाल पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। गाजीपुर पुलिस द्वारा निरंतर पूरे जनपद के विभिन्न कस्बों में हम लोग फुट पेट्रोलिंग डेली कर रहे हैं और फुट पेट्रोलिंग का उद्देश्य ये है कि मौके पर जाके जनसंवाद हो सके, लोगों से उनकी समस्या का पता लग जाए, जिससे कि लोगों की अपेक्षा के अनुसार जो हमारी पुलिसिंग है उसमें अगर कहीं कोई अपेक्षित है उनका सुझाव तो उसे भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। बाकी लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के रूप में निरंतर ये पिछले 6-7 साल से पुलिस लगातार करती चली आ रही है। क्या रेस्पॉन्स अभी तक मिलता जा रहा था, क्या लगता है? इसका रेस्पॉन्स ये है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें लोगों का अपेक्षित सहयोग मिलता है अगर कभी कोई बात कहीं हो जाती है, और इसके अलावा जो आपराधिक घटनाएं हैं वो नियंत्रण में है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी तरह से उन पर लगाम लगी हुई है, और जहां अगर कहीं छुटपुट घटना हो भी जाती है तो वहां जन सहयोग मिलता है। क्योंकि इसी के साथ साथ आप लोगों की जानकारी में हमारा ऑपरेशन दृष्टि के तहत बहुत बड़ी संख्या में कैमरे भी लगवाए गए हैं, तो अगर कहीं घटना बहुत होशियार करके कोई अपराधी करने का भी प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तीसरी आँख की नज़र में भी आ ही जाता है, और इस तरह से जनपद गाजीपुर की लगभग सभी घटनाओं का अनावरण हो रखा है, कोई ऐसा केस नहीं है जो अनवर्कड आउट हो। इसके सर, ऐसे में आज आप लोगों ने जिला जेल का भी निरीक्षण किया है, क्या आपने पाया, क्या लगा? आज डीजे साहब, जिलाधिकारी गाजीपुर और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से पूरे पुलिस फोर्स के साथ जेल का निरीक्षण किया गया था, और वहाँ सभी बैरिकों की चेकिंग की गई थी, और वहाँ पे जो जेल स्टाफ है उसे हिदायत दी गई है। वहाँ की व्यवस्थाएँ संतोषजनक हैं, कोई ऐसी कोई गंभीर अनियमितता वहाँ नहीं मिली है, छोटी मोटी है तो वो सुझाव दे दिए जाते हैं, और सही व्यवस्था वर्तमान में चल रही है।